हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बता रही हूँ हॉकी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, 41 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यह हॉकी का पार्ट वन है एंड इसमें ज़्यादातर हॉकी के इतिहास एंड इंटरनेशनल नेशनल संघों वर्ल्ड कप के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन हैं। एंड दोस्तों, इसके सेकेंड पार्ट में हॉकी ग्राउंड मेजरमेंट एंड कप ट्रॉफी शब्दावली एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो पार्ट वन पार्ट टू देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। एंड इसके इतिहास एंड इसके ग्राउंड मेजरमेंट्स रूल्स के बारे में थ्योरी सेशन देखना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स मेजरमेंट एंड हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियोज को ध्यान से देखिए। जैसा कि दोस्तों एमपीटेट का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी प्रिपरेशन में लग गए होंगे मेन एग्जाम की। मेन एग्जाम भी जल्द ही होगा, बहुत जल्द ही आपका मेन एग्जाम का फॉर्म का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा एंड यूपी टीजीटी का भी बहुत ही जल्द एग्जाम होगा, क्योंकि इतना समय हो गया है फॉर्म अप्लाई किए। एंड यूपी एलटी ग्रेड जो 2018 के बाद अभी तक नहीं आया है, जब 2018 के बाद अभी नहीं आया है तो आप समझ सकते हैं कि वह अवश्य आएगा। तो पहले से प्रिपरेशन में लग जाइए। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए आज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, डेली बेसिस मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, क्वेश्चंस है हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई। तो दोस्तों, हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 से हुआ, यानी कि पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 बार्सिलोना में हुआ था, बार्सिलोना स्पेन में, जिसमें पाकिस्तान भी जीता रहा। एंड महिला वर्ल्ड कप 1974 मेंडलियो फ्रांस में शुरू हुआ। एंड हॉकी वर्ल्ड कप 2023 उड़ीसा भारत में हुआ है, जिसका विजेता जर्मनी है, जो बेल्जियम को पेनाल्टी शूटआउट से हराकर जीता है। एंड नेक्स्ट है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी FIH की स्थापना कब हुई। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुआ, 7 जनवरी 1924 ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ, जिसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट है दोस्तों कि IHF इंडियन हॉकी फेडरेशन, IHF इंडियन हॉकी फेडरेशन यानी भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1925 में नई दिल्ली में हुआ और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय भी नई दिल्ली है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जालंधर के किस स्थान से सबसे ज्यादा हॉकी खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाते हैं। तो कहां से चुने जाते हैं, संसारपुर से। कहां से चुने जाते हैं, संसारपुर से। नेक्स्ट है भारत ने हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट को कितनी बार जीता है। तो दोस्तों, ओनली एक बार जीता है 1975 में। कितनी बार जीता है, ओनली एक बार जीता है 1975 में, क्वालालंपुर मलेशिया में हुआ था। एंड 2023 में कहां हुआ है, उड़ीसा भारत में। विजेता कौन सा देश है, जर्मनी, किसको हरा करके फाइनल में, बेल्जियम को पेनाल्टी शूटआउट से हरा करके। नेक्स्ट दोस्तों, हॉकी का खेल कितने मिनट का होता है। जैसा कि दोस्तों नए नियम के अनुसार हॉकी 60 मिनट का होता है, 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर्स में बटा हुआ है। प्रथम क्वार्टर 15, 2 15, फिर 5 से 10 मिनट का मध्यांतर रहेगा, फिर लास्ट में 15 2 15, इस प्रकार 60 मिनट का आपका है। नेक्स्ट है हॉकी में किस समय मैच के दौरान खिलाड़ी नहीं बदल सकते हैं। तो किस समय मैच के दौरान खिलाड़ी को नहीं बदल सकते हैं दोस्तों, तो पेनाल्टी कॉर्नर के समय खिलाड़ी को नहीं बदला जा सकता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हॉकी में गोल करने का जो क्षेत्र निर्धारित होता है उसको क्या कहा जाता है। तो हॉकी में गोल करने का जो क्षेत्र निर्धारित होता है उसे शूटिंग सर्कल बोला जाता है। जो शूटिंग सर्कल होता है ऐसे करके, और यहाँ पे आपका गोल पोस्ट होता है, तो यहाँ इस सर्कल के अंदर ही गोल किया जाता है।
नेक्स्ट है हॉकी मैदान को की लाइन की मोटाई कितनी होती है। तो दोस्तों हॉकी मैदान की लाइन की मोटाई 3 इंच यानी 7.5 सेंटीमीटर होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने कई बार बताया है, सबसे चौड़ा लाइन होता है फुटबॉल के मैदान की 5 इंच यानी कि 12.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद हॉकी का होता है 3 इंच यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद अन्य ग्राउंड की मैदान ज्यादा से ज्यादा 5 सेंटीमीटर के होते हैं, एंड बैडमिंटन 4 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट हॉकी बॉल का भार कितना होता है, तो आप सबको पता है 156 से 163 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न निम्न में से किसको हॉकी में दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है इसमें से धनराज पिल्लई को। किसको? धनराज पिल्लई को दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जिसे 25 लाख धनराशि दिया जाता है। 1991-92 से शुरू है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, इसी राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। एंड जो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ध्यानचंद लाइफ टाइम, जैसे कि ध्यानचंद पुरस्कार वो अलग है, लेकिन इसका नाम चेंज करके रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और जो अलग से है उसमें खेल रत्न नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पेनाल्टी कॉर्नर के समय डिफेंडर टीम के कितने खिलाड़ी डी के अंदर रह सकते हैं, तो 5 खिलाड़ी रह सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री हिट लेते समय डिफेंडर खिलाड़ी को कम से कम कितनी दूरी पर खड़े रहना चाहिए। क्या फ्री हिट ले रहे हैं तो डिफेंडर खिलाड़ी यानी कि जो अपोजिट खिलाड़ी है तो कितने की दूरी पर रहना चाहिए, तो 5 यार्ड की दूरी पर यानी 5 गज की दूरी पर। नेक्स्ट दोस्तों पेनाल्टी स्पॉट का व्यास कितना होता है। जैसे कि जो हॉकी में पेनाल्टी स्पॉट होता है वह एंड लाइन से यानी कि गोल पोस्ट लाइन से 7 गज की दूरी पर यानी कि 6.40 मीटर की दूरी पर होता है, जिसका व्यास 6 इंच होता है। कितना होता है? 6 इंच होता है। तो यहाँ पे इंच नहीं mm में दिया है, तो यहाँ पे घर राइट हो जाएगा 155 mm। नेक्स्ट है हॉकी के मैदान में जब खिलाड़ी के को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मध्य रेखा यानी सेंटर लाइन से कितनी दूरी तक खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, तो 3 मीटर। कितना? 3 मीटर। नेक्स्ट है हॉकी का भार कितना होता है। तो हॉकी जो स्टिक होता है उसका भार होता है 623 से 737 ग्राम यानी 26 से 28 औंस होता है। नेक्स्ट हॉकी में डॉटेड सर्कल में जो गैप होता है उसकी माप क्या होती है। तो जो डॉटेड सर्कल होता है दोस्तों डैश डैश किया जाता है, तो उस जो गैप होता है उसकी माप होती है 3 मीटर। कितनी होती है? 3 मीटर। नेक्स्ट है हॉकी गोल पोस्ट नेट के खानों की माप अधिकतम कितनी होती है। तो जो नेट के खाने होते हैं हॉकी में गोल पोस्ट में लगे होते हैं उसकी माप होती है 45 mm। नेक्स्ट है हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक के लिए निम्न में से कौन किस कौशल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों पेनाल्टी स्ट्रोक के लिए हम हिट नहीं कर सकते, पुश, फ्लिक और स्कूप कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेनाल्टी शूट आउट के दौरान जब अटैकर बॉल लेकर चलता है तो कितने समय के दौरान उसको गोल करना होता है। तो
तो 8 सेकेंड के अंदर करना होता है। नेक्स्ट है, यदि हॉकी में गेंद जमीन से छूते हुए जाती है तथा बॉल खिलाड़ी की हॉकी से चिपके हुए तथा घसीटते हुए गति करे तो इसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं पुश। क्या कहते हैं? पुश। पुश, पास, हिट, फ्लिक, स्कूप, इसके सब शब्दावलियां हैं। नेक्स्ट है, 2012 का द्रोणाचार्य पुरस्कार अवार्ड हॉकी में किसको दिया गया था? तो 2012 का दिया गया था हरेंद्र सिंह को। किसको? हरेंद्र सिंह को। नेक्स्ट है, खेलते समय यदि गेंद पैर पर लग जाती है तो यहां पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पे खेलते समय यदि गेंद पैर पर लग जाती है तो यहां पकैरीड शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हॉकी स्टिक को जांच के लिए जिस रिंग से गुजारा जाता है वह कितने इंच होती है? तो दोस्तों वह होती है कितने इंच होती है? 2 इंच। हॉकी स्टिक जो होती है 2 इंच चौड़ी होती है, इसलिए इसके परीक्षण के 2 इंच के रिंग से गुजारा जाता है। एंड हॉकी स्टिक का जो घुमा हुआ सिरा होता है वो 4 इंच चौड़ा होता है। नेक्स्ट है, प्रथम महिला विश्व कप हॉकी विजेता देश कौन सा था? तो प्रथम महिला हॉकी विश्व कप की शुरुआत 1974 में मेंडलियो फ्रांस में हुआ था और इसका विजेता था हॉलैंड 1974 में। नेक्स्ट, हॉकी खेल को किस देश में सांटी के नाम से जाना जाता है? इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो स्कॉटलैंड को। नेक्स्ट है, ब्लैक हिथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना कब हुआ? दोस्तों तो यहाँ पे सभी ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो मैंने इसको देख करके यहाँ पे लगाया हुआ है 1861 में ब्लैक हिथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, हॉकी का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच कब खेला गया? तो हॉकी का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच कब खेला गया? तो 25 जनवरी कब खेला गया? 26 जनवरी 1894 को। हॉकी का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया 26 जनवरी 1894 को। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ब्रिटिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हुआ 1886 में। नेक्स्ट है, हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का श्रेय बेल्जियम के किस नागरिक को जाता है? तो दोस्तों इसमें जाता है फ्रैंक को, जिन्होंने हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्तर का बनाने का प्रयास किया और बनाया। नेक्स्ट है, प्रथम महिला विश्व कप में भारतीय महिला टीम का कौन सा स्थान था? तो प्रथम महिला विश्व कप 1974 में मेंडलियो फ्रांस में हुआ था, जिसका विजेता हॉलैंड था। एंड भारत की महिला टीम का कौन सा स्थान था यहाँ पे आपको बताना है? महिला टीम का स्थान था भारत का चतुर्थ स्थान। नेक्स्ट, सन 1981 में क्योटो में प्रथम एशियाई महिला हॉकी की प्रतियोगिता किसने जीती थी? तो इसमें जीता था भारत। किसने जीता था? भारत। नेक्स्ट है, यदि एस्ट्रो टर्फ नीले रंग का है तो बॉल किस रंग की होनी चाहिए? तो दोस्तों जब एस्ट्रो टर्फ नीले रंग का है तो बॉल जो है पीले कलर का होगा। किस कलर का होगा? पीले कलर का होगा। एंड जब एस्ट्रोटर्फ हरे रंग का होगा तो बॉल सफेद कलर का होगा। दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हॉकी का सबसे पुराना क्लब कौन सा है तथा इसकी स्थापना कब हुई? तो दोस्तों हॉकी का सबसे पुराना क्लब है कौन सा है? हॉकी का सबसे पुराना क्लब आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, टेरिंगटन हॉकी क्लब 1871। हॉकी का सबसे पुराना क्लब कौन सा है? टेरिंगटन हॉकी क्लब 1871। नेक्स्ट है, सुपर फेयर प्ले ट्रॉफी जो 2 साल में एक बार दी जाती है
2012 में किसको मिली? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि सुपर प्ले फेयर प्ले ट्रॉफी कितने साल में दी जाती है? तो 2 साल में एक बार दी जाती है, ये याद रखिएगा। 2012 में किसको मिली? तो यहाँ पे आंसर है सिंगापुर हॉकी एसोसिएशन को मिला। 2023 में किसको मिला? तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हॉकी विश्व कप सबसे अधिक बार किस देश ने जीता है? तो हॉकी विश्व कप सबसे अधिक बार पाकिस्तान ने जीता है, ये याद रखिए। नेक्स्ट है कि भारत ने हॉकी विश्व कप मात्र एक बार जीता है, वह किस सन में जीता है दोस्तों? तो भारत ने हॉकी विश्व कप केवल एक बार 1975 में जीता है, जैसा कि इससे पहले एक प्रश्न आ चुका है, 1975 में जीता है। नेक्स्ट है, महिलाओं का 7वां जूनियर हॉकी टूर्नामेंट जो जर्मनी के माचोग्लाबॉक में 27 जुलाई से 4 अगस्त 2013 को संपन्न हुआ, इसका विजेता कौन सा देश था? 7वां जूनियर विश्व कप हॉकी महिलाओं का, तो इसका विजेता था अर्जेंटीना। कौन था? अर्जेंटीना। नेक्स्ट है कि महिलाओं के 7वें जूनियर हॉकी विश्व कप 2013 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा? तो कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। नेक्स्ट, महिलाओं के 7वीं जूनियर हॉकी विश्व कप 2013 में टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन थी? तो ये थी रानी रामपाल। तो दोस्तों आज के सेशन में 40 क्वेश्चंस हॉकी के थे। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों सेकेंड पार्ट में 60 क्वेश्चंस होंगे, जो 60 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे हॉकी से रिलेटेड। तो दोनों वीडियो देखना स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, डेली बेसिस मेरे साथ जुड़े रहिए और बेस्ट तैयारी कीजिए। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट अब तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।